हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मैथ्स, और चैप्टर हमारा आज से नया स्टार्ट होगा, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं कि सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे थे, तो आज मैं इनकी अरेंजमेंट क्लास ले रही हूँ। तो यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन को मैं वो सेट करा रहे हैं, तो मैं इसी का नेक्स्ट चैप्टर आपको, जो कि सेट पे ही रिलेटिव है, तो इसको मैं स्टार्ट करूंगी। तो रिलेशन एंड फंक्शन सेट के बाद का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है, जहां पर हम क्या जानेंगे, रिलेशन क्या होता है। अब देखिए, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन के लिए हमें दो लोग चाहिए। आपका अपने टीचर्स के साथ क्या रिलेशन है, अपनी मम्मी पापा के साथ आपका क्या रिलेशन है। तो रिलेशन के लिए हमें से आपको दो लोग चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, मैथमेटिक्स में हम रिलेशन किसकी बात कर रहे हैं। रिलेशन तो हम रिलेशन की ही बात कर रहे हैं, बट हम जो आपने प्रीवियस चैप्टर जो आपका अभी कंटिन्यू है, आई होप कि जितना आपको यहाँ पे चाहिए वो आपने पढ़ लिया होगा। तो दो सेट के एलिमेंट्स का आपस में क्या रिलेशन है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेशन। तो वहां आपने सेट पढ़ा है, ठीक है, और यहाँ हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। तो यहाँ भी हम पहले रिलेशन वाला पोर्शन आपको उठाएंगे, रिलेशन पढ़ने के बाद आपको फंक्शन पढ़ाएंगे। तो देखिए, रिलेशन क्या होता है, दो सेट के एलिमेंट्स का आपस में जो रिलेशन होता है उसी को हम कहते हैं रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए, रिलेशन में जो आपका फर्स्ट आता है, देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पर आपके पास ये आपके पास कोई सेट ए है और ये आपका सेट बी है, ठीक है। दो सेट हमारे पास हैं, सेट ए और सेट बी। अब मैंने आपको कहा सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, और सेट बी में एलिमेंट्स हैं 4, 5 और 6, ठीक है। तो ये दो सेट ए और बी हमें गिवन है। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन। तो रिलेशन को हम जानेंगे इन दो सेट के एलिमेंट से। तो देखिए, इन एलिमेंट्स का किस तरह का रिलेशन हो सकता है। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि इस 1 का 4 के साथ एलिमेंट रिलेशन हो सकता है, ठीक है। फिर जो है, हम ये कह सकते हैं इस 2 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, अगेन इस 3 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबल है। नेक्स्ट मैंने कहा ठीक है, 1 का 4 के साथ है, 1 का जो है 5 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, 1 का 5 के साथ भी क्या हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। तो 1 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, 2 का किसके साथ, 1 का अगेन 6 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि इस 2 का 4 के साथ रिलेशन होगा, इस 2 का 5 के साथ तो है ही, इसका 6 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको कह रही हूँ कि इस 3 के जो है, देखिए, इस 3 का 6 के साथ हो गया, इस 3 का 4 के साथ भी रिलेशन होगा, और इसका 6, 5 के साथ भी रिलेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरह के रिलेशन बन रहे हैं, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ किस तरह का रिलेशन बन रहा है। तो देखिए, रिलेशन हम किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 का 4 के साथ पहले रिलेशन बना, ठीक है, 1 का 5 के साथ रिलेशन, 1 का 6 के साथ रिलेशन, ठीक है। फिर हमने आपसे कहा 2 का 4 के साथ रिलेशन है, 2 का 4 के साथ रिलेशन है, अगेन 2 का किसके साथ, 5 के साथ रिलेशन है, और 2 का 6 के साथ भी रिलेशन है, ठीक है। अब हम 2 के रिलेशन पे, अब हम 3 के रिलेशन की बात करें, 3 का रिलेशन 4 के साथ है, 3 का जो रिलेशन है वो 4 के साथ है, अगेन 3 का रिलेशन 5 के साथ है, और फिर 3 का रिलेशन जो है 6 के साथ भी है, ठीक है। अब जो हमने इतनी बात कही कि इस सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी
बी के एलिमेंट के साथ जो रिलेशन है, और हमने वो तमाम पॉसिबल रिलेशन यहाँ पर निकाल दिए हैं कि एक्स के एलिमेंट का किस तरह के रिलेशन होंगे। वन का फोर के साथ होगा, फाइव के साथ होगा और सिक्स के साथ होगा। तो वो रिलेशन हमने यहाँ लिख लिया है, वन का फोर के साथ, फाइव के साथ और सिक्स के साथ। फिर हमने कहा एलिमेंट टू का फोर के साथ रिलेशन होगा, तो टू का फोर के साथ, टू का फाइव के साथ और टू का सिक्स के साथ। तो ये भी हमने यहाँ पर लिख लिए। सेकेंड एलिमेंट आपके थर्ड एलिमेंट है थ्री। अब थ्री का जो है फोर के साथ रिलेशन होगा, फाइव के साथ होगा और सिक्स के साथ रिलेशन होगा। अब हमने वो तमाम पॉसिबल रिलेशन निकाल लिए हैं जो सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ है, ठीक है। अब इस एलिमेंट, इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ए इंटू बी, ए इंटू बी। और इस ए इंटू बी को ही हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, इस ए इंटू बी को ही आप क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि वो तमाम पॉसिबल रिलेशन जो किसी सेट का किसी दूसरे सेट के साथ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो आपके सिलेबस में है फर्स्ट जो रिलेशन इन फंक्शन में, तो सबसे पहला जो रिलेशन है वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर वो तमाम रिलेशन होते हैं जो ए सेट का बी सेट के एलिमेंट के साथ होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम कोई भी रिलेशन निकालेंगे वो इस ए क्रॉस बी के उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट के इक्वल होगा। तो आपको पता है सबसेट क्या होते हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो जितने भी हम रिलेशन निकालेंगे वो इस ए क्रॉस बी के सबसेट के इक्वल होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास, देखिए जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल है कोई, देखिए पी कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, ठीक है। और क्यू कोई दूसरा आपका सेट है और इसका जो है एलिमेंट्स कितने हैं, बी और ई, बी और ई, ये दो इसके एलिमेंट्स। अब हमें यहां से क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, पी क्रॉस क्यू। तो अभी हमने आपको पिक्चर में बताया है कि ए क्रॉस बी हमने किस तरह से निकाला है। तो यहाँ से हमें अगर फाइंड करना हो पी क्रॉस क्यू, तो हम किस तरह से निकालेंगे, देखिए इस एलिमेंट्स का हम सेट पी के एलिमेंट्स का हम पहले सेट क्यू के एलिमेंट्स की वो तमाम रिलेशन निकालेंगे जो पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, ए का रिलेशन होगा किसके साथ, बी के साथ, फिर ए का रिलेशन होगा किसके साथ, ई के साथ, ठीक है। तो ए के सारे तमाम रिलेशन हमने निकाल लिए हैं। अब बी का रिलेशन हम निकालेंगे कॉमा, बी का रिलेशन निकालेंगे बी के साथ, ठीक है, कॉमा बी का रिलेशन हम निकालेंगे अगेन ई के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये रिलेशन निकाल लिए हैं। सी का रिलेशन आपका होगा, सी का जो रिलेशन होगा सी कॉमा डी और सी कॉमा ई। तो ये तमाम रिलेशन इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो आपके जो एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चंस हैं वो इसी पर बेस्ड है, कुछ क्वेश्चन इससे बेस्ड हैं जिनको हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको समझ में आ गया ये सब, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है किस तरह से सेट ए के रिलेशन एलिमेंट्स के रिलेशन सेट बी के रिलेशन के साथ, यानी कि सेट बी के एलिमेंट्स के रिलेशन के साथ क्या होते हैं वो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखा। अब यहाँ पे देखिए, चलिए अब नेक्स्ट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अब एक चीज और इसमें रेडी है, अब देखिए जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हैं ये हमेशा किसमें होते हैं, ऑर्डर पेयर में, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसमें हैं, ऑर्डर ऑर्डर पेयर में। तो यहां से हमने एक चीज और ऑब्जर्व की कि जब हम किसी सेट का किसी दूसरे सेट के साथ जो एलिमेंट के साथ जो रिलेशन है उसको निकालते हैं तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा ऑर्डर पेयर में होते हैं, ठीक है। और ऑर्डर पेयर में होते हैं, और यहाँ से भी हम देखेंगे ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा, ऑर्डर पेयर का जो आपका पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसके जितने भी तमाम पहले एलिमेंट्स हैं, देखिए ये वन किसका है, सेट ए का है, वन सेट ए का है, वन सेट टू, सेट
ए का है और थ्री सेट ए का है। इसी तरह से जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो हमेशा बी सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए जितने भी सेकेंड एलिमेंट्स होंगे वो दूसरे सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ से हमने ये देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करके जो एलिमेंट्स आते हैं वो ऑर्डर पेयर में आते हैं। ऑर्डर पेयर में भी हमने ये देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए यानी कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होंगे और जो उसका सेकेंड पेयर होगा, सेकेंड पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट का एलिमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकेंड है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ अ सेट। अब हमें देखिए ऑर्डर पेयर में जब आपको क्या होते हैं, एलिमेंट्स गिवन होते हैं, तो इसकी जो इक्वालिटी का रूल है वो क्या है। देखिए लेट सपोज आपके पास ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट दे रखे हैं और इसके इक्वल में आपको गिवन है एक्स और वाई, इस तरह से गिवन है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ऑर्डर पेयर में दोनों के सेम एलिमेंट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए को एक्स के इक्वल कर देंगे और बी को हम क्या कर देंगे, वाई के इक्वल कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पर एक्स और वाई है ये इक्वल है टू और थ्री के, तो यहाँ से हम क्या कर ले, देखिए यहाँ पर ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ से एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, चलिए अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम कर लेंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक के 2.1 का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हमने इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर को पढ़ा है, तो देखिए इधर क्या दे रखा है आपको, हमें गिवन है x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, इस तरह के दो एलिमेंट्स हमें गिवन है यहाँ पर और राइट हैंड साइड में है 5 अपॉन 3 कॉमा 1 अपॉन 3, इस तरह के हमें दो एलिमेंट्स गिवन। अब देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए इक्वालिटी रूल में हमने क्या पढ़ा था कि जब ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके दो एलिमेंट्स हैं और राइट हैंड साइड में भी आपके दो एलिमेंट्स हैं, तो इक्वालिटी से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, x अपॉन 3 इज इक्वल टू, इस 1 को हम ट्रांसपोज कर लेंगे, पॉजिटिव का है तो नेगेटिव का हो जाएगा 3 माइनस 1, इसका जब आप एलसीएम लेंगे x अपॉन 3 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5 अपॉन 3 माइनस में 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 माइनस में 3, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2 अपॉन 3। अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम इसके मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई में आपका 3 आ जाएगा, ये नीचे था डिनोमिनेटर में तो ये आगे मल्टीप्लाई में और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है, x इज इक्वल टू 2, तो x का मान कितना निकल गया यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें निकालना है y की वैल्यू। ठीक है, चलिए
अब देखिए हमने एक्स को इस वाली टर्म्स को, इस एलिमेंट्स को, इस एलिमेंट से इक्वल किया। इक्वालिटी रूल से क्या होता है, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो राइट हैंड साइड के सेकंड एलिमेंट के इक्वल आएगा। तो यहां से भी हम क्या कर लेंगे, वाई माइनस, वाई माइनस टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री। तो यहां से हमें y निकालना है, तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस का है तो वन अपॉन थ्री, ये माइनस की टर्म है तो राइट हैंड साइड जाके ये प्लस आ जाएगा और टू अपॉन थ्री। तो y इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो थ्री वन प्लस टू, तो y कितना आ गया है आपका, y इज इक्वल टू देखिए वन प्लस ये थ्री अपॉन थ्री और कट के ये वन आ जाएगा, और y का मान कितना आ गया है, वन। तो बहुत इजी है ये, ठीक है, कि जब आपके पास ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट आपका इस एलिमेंट से इक्वल हो जाएगा और सेकंड एलिमेंट आपका इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको आप ना नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए लेट सपोज ए इज इक्वल टू, ए सेट में आपके ए और बी एलिमेंट है, ठीक है, और बी सेट में आपके क्या हैं, बी सेट में आपके हैं सी और डी एलिमेंट, ठीक है, सी और डी एलिमेंट। तो आपने सेट में क्या पढ़ा था, सेट में आपने पढ़ा था नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो यहाँ पर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट कितने आते हैं उसको देखेंगे, उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हम निकालेंगे इसका ए क्रॉस बी, यानी इसका कार्टेशियन, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा आपके पास, ए का हम करेंगे बी के साथ, तो ये आ जाएगा ए कॉमा सी, सेकेंड एलिमेंट आपके पास आएगा ए कॉमा डी, थर्ड एलिमेंट आएगा बी कॉमा सी, और फोर्थ जो एलिमेंट होगा वो आ जाएगा बी कॉमा डी, ठीक है। तो आप यहां से काउंट कीजिए कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये आपने सेट में पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, देखिए इसको हम पेयर में एक ही एलिमेंट पढ़ते हैं, यहाँ पर आप ध्यान देना, जब आप कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो इन एलिमेंट्स को आप एक ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कितने एलिमेंट्स हो गए, चार एलिमेंट। तो यहां से आपके यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आ गए, चार। तो फोर एलिमेंट्स आपके ए क्रॉस बी में आ गए, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, क्योंकि यहाँ पर तो छोटा एलिमेंट था, छोटा सेट था, तो हमने क्या कर दिया, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया। और अगर आपको कहीं पर बहुत सारे एलिमेंट्स हो और आपको उसके एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकालना हो तो आप किस तरह से निकालेंगे, उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। तो हम फॉर्मूले को यहाँ पर जनरेट करेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए इज इक्वल टू, अगर सेट ए में कितने एलिमेंट है, पी, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी उसमें आपके क्यू एलिमेंट है, ठीक है, या फिर इसको आप स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए में कितने एलिमेंट है आपके, पी हैं, और सेट बी में आपके क्यू एलिमेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस नंबर इन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी,
यहां से देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में कितने हैं, सी, और क्यूब बी में कितने हैं, क्यू। ठीक है, तो इनका जो फॉर्मूला जनरेट हो गया है वो क्या हो गया है, सी इंटू क्यू। यानी कि आप क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट सेट ए में होंगे और जितने भी एलिमेंट सेट बी में होंगे उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इस एलिमेंट में देखिए ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, अब इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखिए सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, वन और टू, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये आपने सेट में पढ़ा होगा, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, वन टू, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो यहाँ पर भी टू एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी, यानी कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, एन नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए क्रॉस बी, तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, टू क्रॉस टू, तो ये आपका फोर आ गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने क्या किया था, गिन के इनको सॉल्व किया था, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट हमने फाइंड किए थे, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इनको एलिमेंट्स को काउंट करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो आपके पास सेट ए के पास दो एलिमेंट्स हैं और सेट बी के पास भी दो ही एलिमेंट्स हैं, तो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है वो हमने इजीली फाइंड कर लिया है। लेकिन जब आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे तो तब आप इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने पे बहुत सारा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो वहां पे आपको किसकी जरूरत है, एक फॉर्मूले की जरूरत है जिसको हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया है। कि फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी कि इसके पार्टीशन जो प्रोडक्ट है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो इन दोनों को जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन क्या इसका क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपका जो है जितने भी नंबर होंगे वो सब इसमें निकल जाएंगे। तो आप इसको कॉपी कर लेंगे। यहां पर जो है दो बातें, आप नोट करके लिखेंगे इसको, देखिए यदि आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी यानी कि सेट ए का सेट बी के साथ आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी अगर हम कर रहे हैं और दोनों में से अगर किसी भी सेट में एलिमेंट्स आपके कितने हैं, फाइव है, फाइव जानते हो एम्प्टी सेट, पढ़ा होगा आपने सेट, सेट जो थ्योरी है आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है वहां पर आपने एम्प्टी सेट पढ़ा होगा, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो तो उसको आप क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट, ठीक है, रिक्त समुच्चय जिसको कहा जाता है। तो ऐसा कोई सेट हो और उन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों को जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा, फाइव आएगा, ठीक है, फाइव क्यों आएगा, क्योंकि अगर ए सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं और उसको हम बी सेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बी सेट आपका क्या है, फाइव है, इसमें कोई भी एलिमेंट्स आपके मौजूद नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन भी आपका क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। सेकेंड चीज क्या है, ये आपकी फर्स्ट बात है और इम्पोर्टेंट है ये, सेकेंड अगर आपके पास ए क्रॉस बी है और इन दोनों में से कोई भी, अगर ए चाहे बी, ये कोई दोनों में से इनफाइनाइट कोई है, इनफाइनाइट सेट कोई है, तो इनका जो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट आप निकालेंगे वो भी आपका क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, यहाँ हम रिलेशन एंड फंक्शन को हमने स्टार्ट किया है, जहाँ हमने रिलेशन को
है कि रिलेशन क्या होता है। तो दो सेट के एलिमेंट्स का आपस में क्या रिलेशन है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। हमने दो सेट के एलिमेंट्स को आपस में रिलेट किया है, उनके तमाम को पॉसिबल रिलेशन हमने निकाला है, और इन तमाम पॉसिबल रिलेशन को ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ से जितने भी रिलेशन आते हैं वो सबसेट आते हैं। वो आपने सेट में पढ़ा होगा सबसेट क्या होता है, तो वो सब क्या होते हैं, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं। यहाँ पर आपने इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ इक्वालिटी पढ़ा है, जहाँ पर हमने क्या देखा, पेयर ऑर्डर पेयर में अगर दो एलिमेंट्स हैं और उसके लेफ्ट उसके इक्वल में दो एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स को जो राइट हैंड साइड में आपका एलिमेंट है उसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल कर देते हैं। यहाँ पर हमने आपको इक्वेशन भी इस पर सॉल्व करके दिखाया। इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया है जहाँ हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सेट ए के एलिमेंट्स को काउंट करेंगे, सेट बी के एलिमेंट्स को काउंट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उनको फिर ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।